में अब इराक में हो रहे विरोध प्रदर्शन और उससे बन रहे गृह युद्ध के हालात पर स्पेशल क्लास। राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा इराक पिछले दो दिनों से जल रहा है। राजधानी बगदाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घूमते टहलते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बगदाद में जमकर उत्पात मचाया। इराक से आ रही ये तस्वीरें आपको जानी पहचानी लगी, क्योंकि इसी साल जुलाई में ऐसी ही तस्वीरें श्रीलंका से आई थी। श्रीलंका में हालात अलग थे और इराक में अलग थे। पाठशाला में आपको इराक में हो रहे प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका की गलती की कीमत इराक आज तक भुगत रहा है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इराक में विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है। इराक के एक ताकतवर शिया मुस्लिम धर्मगुरु हैं मुक्तदा अल सदर, जो इराक की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। मुक्तदा अल सदर ने सोमवार को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। उसके बाद ही उनके समर्थक भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। इराक में मुक्तदा अल सदर के करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उनकी एक आवाज पर कुछ भी करने को तैयार है। इराक की जनता को लगता है कि मुक्तदा अल सदर की लीडरशिप में भी इराक से अमेरिका और ईरान का प्रभाव खत्म हो सकता है। ऐसे में सोमवार को अचानक मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास के फैसले से उनके समर्थक नाराज हो गए और पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके कारण बगदाद समेत देश के कई प्रांतों में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। बगदाद का सबसे सुरक्षित इलाका ग्रीन जोन है, जहां सरकारी दफ्तर विदेशी दूतावास है। इसी इलाके में सबसे ज्यादा बवाल मचा है। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों पर आग लगा दी। इसी इलाके में अमेरिकी एम्बेसी भी है, जहां से अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया। नीदरलैंड एम्बेसी के कर्मचारियों ने बचने के लिए जर्मन कॉन्सुलेट में शरण ली है। क्या हालात बन रहे होंगे आप सोचिए कि लोगों को बचने के लिए शरण लेनी पड़ रही। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुसे और वहां भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में जमकर गोते लगाए। ये तस्वीरें आप उसी राष्ट्रपति भवन की आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी घुस गए राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में नहा रहे। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने इराकी संसद की इमारत पर भी कब्जे की कोशिश की। संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए और संसद में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की दीवारों पर चढ़कर नारेबाजी की। मुक्तदा समर्थकों ने विरोधियों पर हथियारों से फायरिंग भी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें अब तक 28 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इराक में हो रहे प्रदर्शन का सीधा संबंध इराक की राजनीति से है, क्योंकि पिछले लगभग एक साल से इराक में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अक्टूबर 2021 में इराक में आम चुनाव हुए थे। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मुक्तदा अल सदर के गुट ने 329 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की। बहुमत नहीं मिलने पर मुक्तदा अल सदर ने खुद को सरकार बनाने की रेस से बाहर कर लिया। मुस्तफा अल कदीमी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहा है। साल 2021 के चुनाव के बाद ही मुक्तदा अल सदर इराक में सदरिस्ट आंदोलन चला रहे हैं। वो देश भर के शिया मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं और जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। आपको यह भी बताता चलता हूं कि मुक्तदा अल सदर कैसे इतने ताकतवर बन गए। मुक्तदा अल सदर इराक के सबसे प्रभावशाली शिया गुरु हैं। अल सदर के पिता भी इराक के बड़े मुस्लिम धर्मगुरु। अल सदर के पिता और ससुर को सद्दाम हुसैन ने मार डाला था। 2003 में सद्दाम हुसैन की मौत के बाद अल सदर राजनीतिक रूप से एक्टिव हुए। अल सदर ने 2003 में अल सदरिस्ट मूवमेंट शुरू किया। अल सदर के पास जैश अल मेहदी नाम से अपनी सेना भी। अल सदर की सेना अमेरिका और दूसरी विदेशी सेनाओं से संघर्ष करती रही है। अल सदर इराक में ईरान और अमेरिकी प्रभाव का हमेशा विरोध करते रहे। 2003 में अल सदर ने अमेरिका को सद्दाम से बड़ा नाग कहा था। मुक्तदा अल सदर को मास मोबिलाइजेशन का मास्टर माना जाता है। अल सदर की एक आवाज पर लाखों की भीड़ कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इसी साल जुलाई में अल सदर के कहने पर समर्थकों ने संसद भवन घेर लिया था। मुक्तदा अल सदर इराक की राजनीति पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। अल सदर का कहना है कि ईरान और अमेरिका की नीतियों से इराक से लोगों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है, और इसीलिए अब जो हालात बन रहे हैं वो सबके सामने।